छत्तीसगढ़ में तिर्तेलिंग समुदाय को भी मिल रही सरकारी नौकरी, 13 उम्मीदवार बनेंगे पुलिस आरक्षक, सीएम भूपेश बघेल ने दी बधाई। मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया बजट, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बयान, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने की तुकबंदी, 8 लाइनों में बताया बजट का सार, कहा जुमलों और घोषणाओं की सरकार। और बीजेपी सांसद नंद कुमार चौहान का निधन, प्रदेश बीजेपी में शोक की लहर, सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी जताया दुख। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पुलिस में तिर्तेलिंग के उम्मीदवारों की भी भर्ती की जा रही है ताकि इस समाज के लोगों की भी सम्मानजनक जीवन जीने में कोई परेशानी ना हो, और इस बात की जानकारी खुद सीएम भूपेश बघेल ने दी है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि रायपुर रेंज पुलिस आरक्षक भर्ती परिणाम के घोषित कर दिए गए हैं और इस परीक्षा में तृतीय लिंग समुदाय के 13 उम्मीदवारों का पुलिस आरक्षक पद पर चयन हुआ है और 2 उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में है। इस उपलब्धि के लिए सभी चयनित उम्मीदवारों को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मध्य प्रदेश का पहला ही बजट आज पेश किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आपको बता दें कि टैब के जरिए विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, साथ ही पुराने कर में बढ़ोतरी की गई है। बजट के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट है। कोरोना के होते हुए भी इतनी कठिन परिस्थितियों में, जबकि सारी अर्थव्यवस्था पूरी गड़बड़ाई हुई थी, मुझे लगता है कि इस बजट से नवजीवन और जनता का विश्वास पैदा होगा। इस बजट से, बजट का आंकड़ा बताया है 2,41,375 करोड़ का, कोशिश की है कि सभी वर्गों के लिए इसमें प्रावधान रखा है, सभी विभागों को भी इसमें सम्मिलित किया है और कुछ बड़ी बड़ी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को सामने रखकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कोरोना के संकट से उभरने के लिए जो आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसी आधार पर यह बजट भी लाया। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी आज अपना बजट पेश कर दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया अनोखे अंदाज में दी है। उन्होंने बजट का सार बताया है, आप भी सुनिए कमलनाथ का तुकबंदी वाला बजट का सार। कर्जदार, युवा हो गया बेरोजगार, आम जन पर महंगाई की मार, व्यापारी पर करों का भार, कर्मचारियों को भूल गई सरकार, संवेदनशीलता का हो रहा झूठा प्रचार, जुमलों और घोषणाओं की सरकार यही है। मध्य प्रदेश के खंडवा से बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बाद दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन बीती रात सांसद ने आखिरी सांस ली, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है। और नई पीढ़ी को जोड़ने वाले नेता वो अब हमारे बीच नहीं रहे, प्रयास हमने बहुत किए, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन्हें हम बचा नहीं पाए। उनके निधन से जनता ने अपने सेवक को खोया है, प्रदेश ने अपने नेता को खोया है, पार्टी ने अपने कुशल संगठक को खोया है और मैंने अपने एक भाई को खोया है। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते।
बीजेपी सांसद नंद कुमार के निधन पर मध्य प्रदेश बीजेपी में शोक की लहर है। कैबिनेट मंत्रियों ने भी दुख जताया है। बजट सत्र में शामिल होने पहुंचे नेताओं को सांसद नंद कुमार के निधन पर दुख जताते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनवाते हैं। दायक क्षण है हमारे लिए, लंबा साथ था हमारा उनका, लंबे समय विधायक रहे वो, लंबे समय सांसद रहे, 6 बार महामंत्री रहे, 2 बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इतने लंबे साथ एकदम असमय चले गए, बहुत दुख है। बहुत लोकप्रिय थे वो, बड़े मृदुभाषी और विनम्र स्वभाव के थे। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। मैं प्रार्थना करूंगा कि उनके अनुयायी समर्थक परिवार वालों को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान। रंच मात्र भी अभिमान नहीं था कि मैं इतना बड़ा नेता हूँ। मैं एक वाक्य सुनाता हूँ। एक बार एक चुनाव था बड़ा मलहरा का, मैं उस समय कांग्रेस में था, तो एक पेड़ के नीचे एक सज्जन ने मेरी गाड़ी को हाथ दिया, चुनाव चल रहा था, मैंने उन्हें बैठा लिया। मैंने उसे पूछा, सहजता में आप भाई साहब क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं नंद कुमार चौहान हूँ और खंडवा से सांसद हूँ। मुझे सुन के मैं दंग रह गया कि इतना बड़ा नेता वो इतने सहजता से अपनी बात कर रहे हैं, सहजता से अकेले खड़े हुए। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं एक पोलिंग पर यहाँ चुनाव में बड़ा मलहरा में इंचार्ज हूँ। तो उनकी सहजता थी। हम सब लोग आज बहुत दुखी हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कैबिनेट में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और हम चाहते हैं कि ईश्वर उनके परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति। नंदू भैया के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ सांसद, कई बार के विधायक रहे, ऐसे जनप्रिय नेता हम बीच में नहीं रहे, मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक ऐसा नेता जिसने निमाड़ में भाजपा का काम खड़ा किया, उनका जाना भाजपा के लिए अत्यंत दुखद है। नंदू भैया की खबर मिली हमको जैसे ही सुबह कि हमारे बीच में नहीं रहे, ये हम सबके लिए सकते में डालने वाली अविश्वसनीय खबर थी। इससे मुझे व्यक्तिगत रूप से, मेरे बड़े भाई थे वो, हमेशा अंगली पकड़ के चलना सिखाया, खंधे से खंधा मिलाकर साथ दिया। और नंदू भैया निमाड़ ही नहीं, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। अपने और अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु और पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन जो समाज के लिए जिए, जो देश के लिए जिए, जो राष्ट्र के लिए जिए, गरीबों के लिए जिए, असहाय के लिए जिए, समाज की सेवा जीवन भर करें, ऐसा जीवन उन्होंने जिया था। और इसलिए वो शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके काम, उनकी सेवा हमेशा हमें। मध्य प्रदेश के रीवा में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने 50 लाख रुपए की लागत से पूर्वाफल में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि यहां पर सेफ्टी रेलिंग बनेगी, पाथवे का निर्माण होगा और स्टोन डस्टबिन, स्टोन बेंचेस और विजिटर्स प्लेटफॉर्म का भी निर्माण किया जाएगा। पर्यटन मंत्री ने स्थानीय विधायक की मांग का सौंदर्यकरण करते हुए 1.50 करोड़ रुपए स्वीकृति देने का आश्वासन दिया। और वहीं ग्वालियर में मेले की तैयारियां चल रही हैं। संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना ने इसको लेकर कहा कि COVID-19 के संक्रमण को देखते हुए मेले में आने वाले सैलानियों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा और फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही मेले के सभी दुकानदारों को भी अपनी दुकान के सभी कर्मचारियों को मास्क पहनने की गाइडलाइंस जारी कर दी है और उसके साथ ही दुकान पर आने वाले सभी ग्राहक भी मास्क पहने रहे, इसके लिए दुकानदारों ने पहल करनी अभी से शुरू कर दी है। देखिए, मेले को लेकर आज की जो मीटिंग थी उसमें मुख्य रूप से ये फोकस किया गया कि यदि कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो उसमें फिर हमको सोचना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है वो उसको रिव्यू भी करता है। तो सबको यही बोला गया है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहने, पॉसिबल जितना हो सके उसमें सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करें। स्पेशली मास्क पर ज़्यादा फोकस किया गया है। हमने यहाँ पे जो
बड़े बड़े लोग हैं जिनकी बिक्री ज़्यादा करते हैं मास्क की, उसको रीज़नेबल रेट पर मास्क उपलब्ध कराने के लिए भी बोला है। हमारी जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं उनके द्वारा भी कुछ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो सबको ये बोला है कि यदि मेला को हमें लंबे समय तक, जैसे कि 2 महीने तक का ये मेला है, रखना है तो हमें कोविड के परिप्रेक्ष्य में सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ हमारी प्रदर्शनी भी लग रही है डिपार्टमेंट्स की, लगभग 20 डिपार्टमेंट में प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। हमारा जो शिल्प बाज़ार है उसमें भी हम लोगों ने बोला है कि जो स्वयं सहायता समूह हैं पूरे संभाग के, ग्वालियर और चंबल संभाग के, उन लोगों को भी इन्वाइट किया गया है कि आप भी अपना स्टॉल लगाएं, उनके लिए जगह आरक्षित कर दी गई है। आपको बहुत जल्दी उनके द्वारा बनाए गए जो मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रैन कस्बे के लगभग आधा दर्जन लोग अनशन पर बैठ गए हैं। किसान नेता मुंशीलाल त्यागी के नेतृत्व में कई मांगों को लेकर अनशन में लोग बैठे हुए हैं और आज अनशन का दूसरा दिन है। मुंशीलाल त्यागी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले की लगभग एक दर्जन से ज्यादा पंचायतों में कई योजनाओं में आए दिन भ्रष्टाचार होते रहते हैं और वहीं किसान नेता ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि अनशन के पहले दिन तहसीलदार के समझाने पर लोगों ने अनशन से हटने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। हमारा आमरण अनशन नहीं चल रहा है। हमने राज्य शासन को, सारे कर्मचारियों को अपनी बात बता दी कि हमारा अनशन है, कि जो शासन द्वारा जो कर्मकार है, बेरोजगार है, इन लोगों के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। कहीं भी मृत प्रमाण पत्र है, आपका तहसील में नामांतरण वगैरह है, और जिस भी विभाग में जाते हैं सिवाय पैसों के और कोई धंधा नहीं है। अब शासन ने ये नियम निकाल रखा है कि मोबाइल लेकर के आप ऑफिस में नहीं जा सकते, तो लोग, अधिकारी लोग मोबाइलों को बंद करा करके ऑफिस में घुलते। मध्य प्रदेश के मायापुर में रिश्वत लेने का मामला एक बार फिर से सामने आ गया है। दरअसल मायापुर के थाने में एएसआई के पद पर नियुक्त प्रताप सिंह गुर्जर पर एक ग्रामीण ने आरोप लगाया है कि झूठे केस में फंसाने की धमकियां देकर 20,000 रुपए की रिश्वत मांग की गई थी उनसे। और आपको ये भी बता दें कि ग्रामीण ने उप निरीक्षक प्रताप सिंह गुर्जर को 10,000 रुपए रिश्वत के तौर पर दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उप निरीक्षक सरेआम रिश्वत ले रहा है और वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ये जो पूरा मामला है संज्ञान में आ चुका है। सीओ पे आए थे कि प्रताप गुर्जर हर बार कायमी करते हैं, हर 2-4 ठलगुर ढूंढ लेते हैं इधर उधर से। 2 बार मैंने पैसे दे छोड़ा, एक बार तो वीडियो बना लिया था और दूसरी बार नहीं बना पाया। गुर्जर साहब कौन है? सब प्रताप गुर्जर है। कौन है ये? जय साहब दरोगा जी है। कहाँ पे? मायापुर थाने। मायापुर थाने पे। तो आपसे हर बार पैसे ले लेते? हर बार। मैं तो कमजोर स्थिति का किसान आदमी, पढ़ा लिखा होने ही तो जिनने हर बार। कितने पैसे मांगती है आपसे? 10,000 दे, 20,000 दे, 2-4 महीना में ले जाते हैं साहब। मध्य प्रदेश में चाकूबाजी, लूट, मर्डर, रेप जैसी वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल रीवा के बोदाबाग सौरभ नगर में खाना बना रहे 2 भाइयों पर एक युवक ने करीब आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर हमला बोल दिया। पहले तो आरोपियों ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, जब दरवाजा नहीं खुला तो तोड़ दिया। फिर युवक पर लाठी, डंडे, रोड और पेचकस से हमला किया गया। जब पीड़ित के दूसरे भाई ने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो वहां पर पहुंचा और बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर भी जानलेवा हमला किया। अभी हम ड्यूटी में थे, ड्यूटी से आए 10 बजे रात को, तो वहाँ से फोन आया कि दोनों लड़कों को मार के फेंक दिए हैं। तो वहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ आया हूँ, तो TI साहब लेके आए थे। डॉक्टर साहब बोले कि इसको 10 मिनट टाइम बचा है, अगर इसको ब्लड देंगे तो बचेगा, नहीं बच सकता है। तुरंत 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर व्यवस्था ब्लड चढ़ाए हैं तो इसकी दवा हुई है। TI साहब 2:30 बजे रात को हमको आ करके रिपोर्ट दिए हैं, दस्तखत करा के चल। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।